आपको बताते हैं, इधर इसराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ के पश्चिमी देश जो इसराइल के समर्थन में साथ खड़े हैं, अमेरिका, यूके, यूरोप के कई देश, और दूसरी तरफ वो युद्ध को जायज भी ठहरा रहे हैं ये तमाम पश्चिमी देश। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, जी हाँ, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इस वक्त गाजा के समर्थन में उतर आए हैं और इसराइल के अटैक को अमानवीय बता रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, कहीं ये खेमेबंदी महायुद्ध में ना बदल जाए। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इसराइल होते हुए सऊदी अरब पहुंचते हैं, बहुत दिलचस्प है। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 1-to-1 उनकी बातचीत होती है। दोनों ने इस बात को माना कि इसराइल और गाजा में जो 2 हफ्तों में हुआ है वो बहुत ही भयावह है, लेकिन सऊदी के प्रिंस सलमान ये भी कहते हैं कि गाजा में अब इसराइल के हमले रुकने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो सऊदी अरब की तरफ से की गई है वो ये कि 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को स्थापित किए बिना शांति नहीं हो सकती। यानी अरब क्या सोच रहा है और इसराइल के लिए मिडिल ईस्ट में क्या प्लान रहा है, इस पर देखते हैं हमारी ये स्पेशल। 14वें दिन युद्ध अब बहुत आगे बढ़ चुका है और महायुद्ध की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अब इसराइल सिर्फ गाजा पर नहीं बल्कि लेबनान तक बमबारी कर रहा है। तो इजरायली इलाकों में भी एक दिन के भीतर 10 से 12 दफा सायरन बज रहे हैं, क्योंकि अब गाजा पट्टी के समर्थन में मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश खड़े हो गए। अब अरब के मुल्क कह रहे हैं कि इसराइल ने जो किया वो सही नहीं किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसराइल के खिलाफ अब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से कौन सी वॉर प्लान बन रहे हैं, कैसे मिडिल ईस्ट के देश इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक सुर में बोल रहे हैं, कैसे इसकी अगुवाई ईरान कर रहा। लेकिन उससे पहले आपको गाजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी के बीच से उठी एक चीख सुनवाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसी चीख ने अरब मुल्कों को इसराइल के खिलाफ जोड़ दिया। तो सुनिए गाजा में खान यूनिस की एक महिला दहाड़ मार कर क्या कहती है और पूछती है कैसे कि तुम कहां हो अरब के लोगों। इससे पहले गाजा में अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक हुआ, 400 से ज्यादा लोगों की जान गई जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस अटैक से मिडिल ईस्ट के देश और भड़के, इसे इसराइल का नरसंहार बताया, युद्ध नियमों के खिलाफ बताया, इसराइल की क्रूरता कही और सारे अरब मुल्क एक टेबल पर आ जाते हैं। सऊदी अरब के जद्दा में 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और 7 साल में पहली बार इस बैठक में ईरान भी शिरकत करता है। अब आपको बताते हैं कि अगर महायुद्ध छिड़ा तो मिडिल ईस्ट का इसराइल के खिलाफ पूरा प्लान क्या होगा। इसराइल के एक तरफ भूमध्य सागर में अमेरिका ने युद्धपोत खड़ा कर दिया है और बाइडेन खुद इसराइल का दौरा करके उसके समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इस पर रूस बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर महायुद्ध छिड़ता है तो रूस मिडिल ईस्ट के देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है और रूस हमास के साथ हिजबुल्ला को भी छोटे हथियार जैसे रॉकेट, स्वचालित ग्रेनेड और AK-47 राइफल्स सप्लाई कर सकता है। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर भी रूस और ईरान की सेना के साथ मिलकर इसराइल से गोलान की चोटियां छीनने के लिए युद्ध में कूद सकते हैं, जबकि लेबनान हिजबुल्ला के 1 लाख आतंकियों और ईरान की मदद से इसराइल पर अटैक कर सकता है। और चीन भी प्रशांत महासागर से भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से ईरान भी रूस चीन के समर्थन से हमास और हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ माहौल बिगाड़ सकता है। अभी तक ईरान खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा था और इसराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों से युद्ध के नए मोर्चे खोलने की धमकियां भी दे रहा था। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कह दिया कि फिलिस्तीन की जमीन इसराइल को छोड़नी होगी। प्रिंस सलमान कहते हैं कि 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को स्थापित किए बिना कोई रास्ता नहीं। अब युद्ध में यमन ने भी इसराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। इसराइल के साथ संबंधों को बेहतर कर चुके UAE और बहरीन भी अब गाजा के समर्थन में खड़े हो गए, जबकि 1980 में इसराइल को देश के तौर पर मान्यता दे चुके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भी अब इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। तुर्की में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने तुर्की में इसराइल के दूतावास में घुसने की कोशिश की।
और मोरक्को के 23 शहरों में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कैसे तनाव बढ़ रहा है, युद्ध का दायरा ना बढ़ जाए, ये तमाम अटकलों के बीच देखिए बड़ी खबर ये भी है कि बंधकों को लेकर विश्व भर में चिंता है। ऐसे में बड़ी खबर यरूशलेम पोस्ट के हवाले से हम आपको बता दें, यरूशलेम पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रूस का ये कहना है कि रूस और हमास संपर्क में है बंधकों को लेकर। बंधकों को लेकर हमास के संपर्क में है रूस, रिहाई के लिए हमास से रूस की वार्ता जारी है। ये एक मानवीय संकट बहुत बड़ा है क्योंकि 200 से ज्यादा इजरायली बंधक है, जिसमें कहा जा रहा है कि कई बच्चे भी हैं। अब इन सब के बीच हमास से बातचीत रूस कर रहा है यरूशलेम पोस्ट के हवाले से बंधकों की रिहाई के। आपने मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ वॉर प्लान देखा, अगर महायुद्ध हुआ तो किस तरह से इसराइल पर मिडिल ईस्ट के देशों के समर्थन में रूस और चीन भी खड़े हैं। लेकिन अब आपको फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक लिए चलते हैं। जी हां, आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत फिलिस्तीन पहुंच चुके हैं। आज जुमे की नमाज के बाद वेस्ट बैंक में बहुत सारे लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इन सब के बीच आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत वहां की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। इस समय हम लोग वेस्ट बैंक में हैं और वेस्ट बैंक में जबरदस्त विरोध चल रहा है इसराइल का। मेरे पीछे दो दो एम्बुलेंसेस खड़ी है क्योंकि कोशिश इस समय यही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग इसराइल के खिलाफ यहां पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके। और यहां पर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि इसराइल की सेना यहां बड़ी संख्या में अपने सेटलमेंट में है। और यहां पर वेस्ट बैंक में, ये वेस्ट बैंक का इलाका है फिलिस्तीन का, आप देखिए यहां पर टायर जलाए जा रहे हैं, यहां पर विरोध किया जा रहा है इसराइल का। वो जो आप ऊंची दीवार पीछे देख रहे हैं, उस ऊंची दीवार के पीछे इसराइल का सेटलमेंट है जहां पर विरोध चल रहा है। लेकिन मेरे पीछे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये मास्क लगाए, मुखौटा पहने काफी यहाँ के युवा इकट्ठा हुए हैं। और ये सभी युवा, जैसे आप अभी मेरे पीछे इस व्यक्ति को देखिए, इनके चेहरे पर मास्क है और ये टारगेट कर रहे हैं जो इसराइल की सेना यहाँ तैनात है। और यहाँ बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग रमाला में, ये रमाला बीरा का इलाका है जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसे देखिए ये छोटा सा बच्चा है जिसने फिलिस्तीन का झंडा लगाया हुआ है। सर, यू स्पीक इंग्लिश? लेकिन बात करने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मैम, कैन आई स्पीक टू यू? डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, एब्सोल्युटली। सर, आई वांट टू नो व्हाट दिस प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट। व्हाई आर ऑल ऑफ यू हियर प्रोटेस्टिंग? व्हाट इज दिस प्रोटेस्ट ऑल अबाउट? तो हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लोगों का गुस्सा इसराइल के प्रति बहुत ज्यादा फूट रहा है। और अगर आप इस समय वेस्ट बैंक में, और आज तक एक लौता चैनल है जो वेस्ट बैंक से ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा है, हर तरफ यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है उससे सैकड़ों बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देखिए, न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर इस विरोध का हिस्सा है। बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। फिलिस्तीन से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों में इसराइल के खिलाफ अब क्रोध भड़क उठा है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट रुकेगा नहीं और लड़ेगा तो युद्ध और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, गाजा से अलहदा अब युद्ध का विस्तार भी शुरू हो गया है। डर यही है कि ये विस्तार कहीं विश्व युद्ध का आधार न बन जाए। हम आपको बता दें कि बीती रात इसराइल ने अचानक से हमले तेज किए और एक ही रात में ताबड़तोड़ 100 बम मारे हैं, जिसमें एक चर्च भी कथित तौर पर तबाह हो गया है, तो मस्जिद भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, अब इसराइल अपना आगे का वॉर प्लान बता रहा है। देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
युद्ध की 13वीं रात गाजा पर एक बार फिर से कहर बनकर गुजरती है। इजरायल की तरफ से गाजा पर एक के बाद एक 100 बम गिराए जाते हैं। इजरायली फोर्स दावा करती है कि उसने इस टैंक में हमास की सुरंगों और उसके हथियारों के गोदामों को तबाह करके रख दिया है। हमास के खिलाफ इजरायल की यह जंग अब बेकाबू होती जा रही है। न अस्पताल सुरक्षित हैं, न चर्च और न ही मस्जिद। 20 अक्टूबर की रात जब गाजा पर इजरायल के बम गिरे तो गाजा शहर में एक 900 साल पुराना चर्च भी तबाह हो गया। गाजा के इस सबसे पुराने चर्च में भी हर धर्म के लोगों ने पनाह ले रखी थी, लेकिन इजरायल की बमबारी में सभी हमले का शिकार हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई। 1150 और 1660 के दशक के बीच बने इस चर्च का नाम 5वीं शताब्दी में गाजा के बिशप सेंट पोर्फिरियस के नाम पर रखा गया था। जब जब फिलिस्तीन जंग की आग में जला, तब तब फिलिस्तीनी यहां अपनी जान बचाने के लिए शरण लेते रहे, फिर चाहे वो ईसाई हों, यहूदी या फिर मुस्लिम। उन्हें यकीन था कि इस चर्च को कोई भी निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन इस बार वो भ्रम भी टूट गया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन में क्या वाकई ईसाई भी रहते हैं? ये थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इसका जवाब चर्च के पादरी से सुनिए। गाजा में पहले 5000 ईसाई रहते थे, जिनकी संख्या अब आधी रह गई है। अभी कुछ दिन पहले ही यह अफवाह फैली थी कि इजरायल के हमले में यह चर्च तबाह हो गया, लेकिन 8 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, चर्च पर बम गिरा और सब कुछ मलबे में बदल गया। बीती रात जब गाजा पर इजरायल ने बम बरसाए तो हमास का वो कमांडर भी ढेर हो गया जिसने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसपैठ करके तांडव मचाया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले शब्दों में जमीनी हमले का संकेत दे दिया है और अपनी सेना से कह दिया है कि गाजा को अंदर से देखने के लिए तैयार हो जाइए।